साथी बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं और कई मौके ऐसे आते हैं जब अपनी अक्ल का लोहा भी मनवा लेते हैं। मगर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसे कई अनोखे बंदर भी मौजूद हैं जिन्हें देखने के लिए नसीब लगता है। खास बात यह है कि अनोखे होने के साथ ये काफी रेयर भी हैं और इनकी एक झलक देखकर आपके होश भी उड़ सकते हैं। तो चलिए मिलवाते हैं आपको इन अजीब और दुर्लभ बंदरों से। नंबर 10, टापानुली ओरैंगुटैन। सुनहरे और भूरे बालों वाले इन टापानुली ओरैंगुटैन प्रजाति के बंदरों को बेहद दुर्लभ माना जाता है। ये आमतौर पर इंडोनेशिया के नॉर्थ सुमात्रा में मौजूद जंगलों में देखे जाते हैं। इन्हें टापानुली ओरैंगुटैन के साथ ही द ग्रेट एप्स के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि कुछ साल पहले तक ये बंदर जंगलों में बड़ी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, जिसके पीछे इनके रहने के इलाकों में लगातार आ रही कमी को सबसे बड़ा कारण बताया जाता है। इसके साथ ही इनका अवैध शिकार भी हो रहा है। इसके बारे में बात करते हुए कंजर्वेशन साइंटिस्ट एरिक कहते हैं कि यदि इसी तरह से टापानुली ओरैंगुटैन की जनसंख्या में कमी आती रही तो वो दिन भी दूर नहीं है जब बंदरों की प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। टापानुली ओरैंगुटैन की प्रजाति में आ रही कमी का एक कारण बटंग टोरू रिवर के ऊपर बन रहा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बताया जाता है, जो की करीब 300 एकड़ में बन रहा है। इसके कारण भी उनकी आवाज सिमट रहे हैं। नंबर 9, पिग्मी मामोसेट। आप सभी ने बंदर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बंदर देखा है जो आपकी हथेली से महज कुछ ही बड़ा हो? शायद आपका जवाब होगा ना, कोई बात नहीं। आज हम आपको एक ऐसे बंदर से मिलवा रहे हैं जिसका नाम पिग्मी मामोसेट है और इसकी लंबाई 6 इंच के करीब होती है। यही नहीं, इस छोटे से बंदर का वजन भी 100 ग्राम तक ही होता है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि दिखने में कितना प्यारा लगता होगा। पिग्मी मामोसेट के बारे में कहा जाता है कि ये बंदर 2 प्रजातियों से मिलकर बना है और इसके अंदर उन दोनों ही प्रजातियों के गुण भी होते हैं। ये क्यूट पिग्मी मामोसेट मुख्य रूप से साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन्हें हमेशा ग्रुप में रहना पसंद होता है। इन छोटे से बंदरों की एक और खासियत ये भी है कि जब मादा अपने बच्चे को जन्म देती है तो नर उसका ध्यान रखता है और उसकी पूरी देखभाल करता है। मगर अफसोस की बात ये है कि इनकी संख्या में भी धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। नंबर 8, गोल्डन लायन टैमरिन। ब्राजील के ट्रॉपिकल जंगलों में निवास करने वाली बंदरों की ये प्रजाति गोल्डन लायन टैमरिन के नाम से जानी जाती है। इन बंदरों को पेड़ों पर रहना पसंद होता है और कहते हैं कि अपनी लाइफ का तकरीबन आधा समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। जहां आमतौर पर बंदर भूरे या काले रंग के होते हैं, तो वहीं गोल्डन लायन टैमरिन का शरीर का रंग चमकीला नारंगी होता है, जिसके चलते इन्हें दूर से भी पहचाना जा सकता है। अपने अनूठे शरीर और बनावट के चलते इन्हें ब्राजील के नेशनल सिंबल में भी जगह मिली है। गोल्डन लायन टैमरिन बंदरों की एक छोटी प्रजाति है जिनकी लंबाई सिर से लेकर पैर तक 40 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनका वजन करीब 1 किलो रहता है। बताया जाता है कि 1980 के दशक के दौरान इनकी संख्या बेहद कम हो गई थी और घटकर 150 पर पहुंच गई थी, जिसके बाद इनके संरक्षण को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक कि इनका शिकार करना भी इल्लीगल है, जिसके चलते IUCN ने इन बंदरों को रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज में स्थान दिया है। नंबर 7, बाल्ड उआकारी। आपने अब तक इस वीडियो में ऐसे तो कई बंदर देखे हैं जिनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं, लेकिन अब हम जिस बंदर के बारे में आपको बता रहे हैं इसकी एक ही क्वालिटी आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल इसकी क्वालिटी है इसका गंजा सिर, जिसके कारण इसे बाल्ड उआकारी नाम दिया गया है। वैसे इसका बाकी का शरीर तो पूरी तरह से बालों से ढका हुआ रहता है, लेकिन इसके सिर के काफी ऊपर तक बाल नहीं होते, जिसके चलते अजीब भी दिखाई देता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि ये दिखने में आकर्षक नहीं होता, क्योंकि इसका चेहरा लाल रंग का होता है और लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यही नहीं, इनका चेहरा भी डिसाइड करता है कि इसे मादा बाल्ड उआकारी पसंद करेगी या नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कैसे, तो आपको बता दें कि बाल्ड उआकारी का चेहरा कितना लाल है इसके आधार पर ही मादा उसका करती है। दरअसल इनका लाल चेहरा इनकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है ना अजीब बात। इन बाल्ड उआकारी की लंबाई 14 से 22.5 इंच तो वजन 4.4 से 6.6 पाउंड तक होता है और इनकी औसत उम्र 15 से 20 साल होती है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि अमेज़न फॉरेस्ट होम में इनके अवैध शिकार और निवास की कमी के कारण अब इनकी आबादी भी कम हो रही है। नंबर 6, स्पाइडर मंकी। इसका नाम सुनकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि इसका स्पाइडर के साथ कुछ तो कनेक्शन जरूर है, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भी जाल बनाता है तो आप गलत हैं, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं करता। दरअसल सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में मिलने वाला ये ऐसी जगहों पर देखने को मिलता है जहाँ घने जंगल होते हैं, जहाँ आमतौर पर दूसरे बंदर अपने हाथों की मदद से एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाते हैं। तो वहीं ये ऐसा अनोखा बंदर है जिसकी पूंछ किसी भी डाली या पेड़ को पकड़ लेती है। अपनी इस पूंछ के सहारे ही ये बंदर इधर उधर उछल कूद करता रहता है। और रही बात इसके नाम की, तो जब वे अपनी पूंछ के सहारे लटकते हैं तो किसी ब्लैक स्पाइडर जैसे दिखते हैं। इस कारण इसे स्पाइडर मंकी नाम दिया गया है। ये बंदर न केवल तेज बल्कि बहुत चालाक और समझदार भी है, जो इसे दूसरे बंदरों से स्मार्ट बनाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जंगलों की कटाई और शिकार के कारण इनकी जनसंख्या कम हो रही है, इसलिए इनका नाम IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में शामिल किया है। नंबर 5, प्रोबोसिस मंकी।
आपने अब तक कई बंदर देखे होंगे, लेकिन यकीन मानिए बंदर की इस प्रजाति से आपका सामना कभी नहीं हुआ होगा। ये बंदर लाल रंग के होते हैं और अपनी लंबी नाक के लिए जाने जाते हैं। इनकी इस घंटी जैसी नाक को देखते हुए इन्हें सूंड वाला बंदर भी कहा जाता है। दिखने में बेहद अजीब ये बंदर साउथ ईस्ट एशिया के बोर्नियो आइलैंड पर पाए जाते हैं और अपने अजीब व्यवहार से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। शक्ल से भोले नजर आने वाले ये प्रोबोसिस मंकी दुनिया के सबसे अच्छे स्विमर्स में शामिल है। इनकी खासियत है कि इन्हें शांत बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करते रहते हैं। इनकी एक और अदा है जिसे देख कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता, और वो है इनका अपने पेट को पानी से टकरा कर एक मीठी आवाज निकालना। ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और इनके ग्रुप की एक और खास बात है कि इनमें करीब एक दर्जन मादाओं के बीच में एक नर रहता है। इस प्रजाति के बंदरों की संख्या में आती कमी को देखते हुए इन्हें संरक्षण भी मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी आबादी में गिरावट आई है। नंबर 4, ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस। इस बंदर को आप आज के इस वीडियो का सबसे सुंदर बंदर कह सकते हैं, क्योंकि इसका ब्लैक एंड व्हाइट कलर और लंबे फर किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। वहीं इसकी पूंछ को देखने के बाद तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। दरअसल ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस की पूंछ भी ब्लैक एंड व्हाइट होती है और किसी सामान्य बंदर की तुलना में लंबी और फर से भरी होती है, जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। इनकी पीठ के फर किसी कोट की तरह नजर आते हैं जो इन्हें कवर करके रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म के समय इनका रंग सफेद होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ इनका कलर बदलने लगता है। आपको बता दें कि ये बंदर हमेशा बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूमते रहते हैं। ये बंदर छलांग लगाते समय बहुत ही अनोखा दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे में इसे देखकर लगता है कि मानो उड़ रहे हों। ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस कीनिया के कोस्टल फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। नंबर 3, फ्रांसुआ लंगूर। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर मौजूद है फ्रांकोइस लंगूर, जो चाइना और वियतनाम के जंगलों में पाया जाता है और दिखने में दूसरे बंदरों से काफी अलग है। इसका कलर ब्लैक होता है और चेहरे पर होंठ से कानों तक व्हाइट हेयर्स होते हैं, जो काफी हद तक इनकी बियर्ड की तरह दिखते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत तेज होने के साथ ही इंटेलिजेंट भी होते हैं और किसी भी काम को जल्दी समझ जाते हैं। हैरानी की बात है कि जन्म के कुछ समय तक इनके बच्चों का कलर ऑरेंज होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ने लगते हैं तो इनका कलर भी गहरा होने लगता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांकोइस लंगूर का नाम दुनिया के सबसे रेयर मंकीज में शामिल है। यहाँ तक कि साल 2008 में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपनी रेड लिस्ट में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके जानवरों में से शामिल किया है। बताया जाता है कि इंसानों के द्वारा होने वाले निर्माण और अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या घट रही है। हालांकि इनका संरक्षण किया जा रहा है और कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक जू में भी इस प्रजाति के एक बंदर का जन्म हुआ है। नंबर 2, गिबन्स। ये बंदरों की एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी तेज स्पीड और उछल कूद के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। ये इतना फुर्तीला होता है कि कब एक टहनी से दूसरी टहनी पर पहुंच जाता है ये भी समझ नहीं आता। वहीं जब वो जमीन पर घूमता है तो अपने हाथों को या तो पीछे रखता है या फिर ऊपर उठा लेता है। हाँ, लेकिन इसकी एक अनोखी बात ये है कि बहुत ही कम चांसेस ऐसे आते हैं जब ये आपको अकेला घूमता दिखाई देगा, क्योंकि ये हमेशा अपने पार्टनर के साथ उछल कूद करता रहता है। यहाँ तक कि इनके रंग अलग अलग होने के कारण इन्हें आसानी से पहचाना भी जा सकता है। इनमें मेल गिबन्स का कलर ब्लैक व्हाइट और फीमेल गिबन्स का कलर ब्राउन एंड व्हाइट होता है। इसके साथ ये मस्ती करते हुए एक तेज आवाज भी निकालते हैं जो सुनने में काफी मीठी होती है, जबकि ये दिखने में इतने क्यूट हैं कि यदि आप इन्हें कहीं मस्ती करते हुए देख लेंगे तो इन पर से अपनी नजर हटा नहीं पाएंगे। चाहे इनकी लंबाई 16 से 26 इंची हो, लेकिन इसके बावजूद आप इन्हें 35 मील प्रति घंटा की स्पीड से यहाँ वहाँ कूदते देख सकते हैं। ये इतने फुर्तीले हैं कि करीब 50 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। नंबर 1, कैटवा लंगूर। गोल्डन कलर की खोपड़ी वाले कैटवा लंगूर को गोल्डन हेडेड लंगूर के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में कहते हैं कि ये गंभीर रूप की प्रजाति है और वियतनाम के कैटवा आइलैंड पर पाए जाते हैं। इनकी संख्या अब इतनी कम रह गई है कि इन्हें दुनिया के 25 सबसे तेजी से विलुप्त होने वाली प्रजातियों में शामिल किया गया है। दरअसल पारंपरिक चिकित्सा के लिए इन लंगूर का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है, जिस कारण ये दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार कैटवा लंगूर की प्रजाति के केवल 65 से 67 लंगूर ही बचे हुए हैं और ये सभी कैटवा नेशनल पार्क के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। बता दें कि कैटवा लंगूर के शरीर की लंबाई लगभग 19 से 23 इंच और वजन करीब 9 से 12 किलो तक होता है। ये शाकाहारी होते हैं और अपना जीवन फल फूल पेड़ों की छाल खाकर गुजारते हैं, लेकिन इनकी खट्टी जनसंख्या को देखते हुए ये कहा जाता है कि यदि ऐसे ही कम होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके जीवों में बदल जाएंगे। तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे बंदर जो अपनी अलग अलग क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इनकी आबादी में धीरे धीरे कमी आ रही है और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इनकी संख्या ऐसे ही कम होती रही तो इनमें से कुछ बंदरों की प्रजाति ऐसी भी है जिन्हें हम फ्यूचर में नहीं देख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं।